Sri Vishambar Prasad Nishad. Your party time is 9 minutes. You have 9 minutes. Eh? Thank you, sir. Mani Upasabhapati Mahoday. Yes, you look. Mani Mantri Ji, Bharti Ban Sanshodhan Vidhayak 2017, जो लाए हैं उसमें इन्होंने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 के खंड 7 में बांस शब्द का लोप किया है। महोदय मंत्री जी ने बहुत विस्तार में अपनी बात रखी है और माननीय सदस्यों ने भी रखी है। इसके संबंध में हम बताना चाहते हैं, क्योंकि देश में वन क्षेत्र 33% होना चाहिए। आज आवश्यकता है कि वन क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। केवल इन्होंने जो बांस को छूट देने के लिए कहा है, ऐसा कि हमें जानकारी है महोदय, केवल अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए रोक थी। कोई भी व्यक्ति अपने खेत में, अपनी निजी ज़मीन में कोई किसान बांस लगाता है, उसको काटने की कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, उसमें वन विभाग का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब बड़ी मिलों में, पेपर मिलों में, बड़ी कंपनियों में जब ये बांस बड़ी तादाद में कट करके परिवहन होता है, उसमें जो है परमिट बनाने की आवश्यकता होती है। तो इसे विधेयक से हमें प्रतीत होता है कि उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए, बड़े लोगों के लिए इन्होंने ये जल्दी जल्दी में, पहले तो ऑर्डिनेंस लाए, जब पार्लियामेंट चलने वाली थी तो ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी, बिल पास हो जाता। बिल पास होने के बाद फिर इसको आप लाते, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से दबाव रहा, किसी का प्रेशर रहा कि ऑर्डिनेंस लाइए जल्दी, नहीं हमारी पेपर मिलें बंद हो रही हैं, हमारे प्लास्टिक कारखाने बंद हो रहे हैं। महोदय, जैसा कि जयराम रमेश जी ने, माननीय सदस्य ने जो बताया, कहा कि पंचायती राज एक्ट को बढ़ावा देना चाहिए, ग्राम पंचायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके अधिकार कम करने के लिए ये नए नए तरीके के संशोधन ला रहे हैं। महोदय, बुंदेलखंड से हम लोग आते हैं, बुंदेलखंड में फॉरेस्ट एक्ट के कारण सारे डेवलपमेंट रुके हुए हैं, ना तो सड़क बन पा रही, ना तो सरकारी इमारतें बन पा रही, ना तो पुल बन पा रहे। यहाँ तक कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हमारे माननीय सदस्य तमाम हैं, वहाँ अगर एयरपोर्ट का रनवे भी बढ़ाना है तो उसके लिए बिना फॉरेस्ट के अनुमति के जो है रनवे नहीं बढ़ा सकते। सड़कें करोड़ों रुपये गवर्नमेंट का लग गया और बीच में कोई पुल या पुलिया बनना है तो सारा काम रुक गया। तो ऐसा अमेंडमेंट लाना चाहिए कि जो सरकारी कार हो रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, आपके रेलवे लाइन बिछी रही है, वो रुके, उसमें करोड़ों रुपया जो बर्बाद हो रहा है उस पर संशोधन करने की जरूरत थी। आप उद्योगपतियों को वो करने के लिए, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक केवल 10 वर्षों को बता दें, 5 वर्षों को बता दें कि वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के, वर्ल्ड बैंक के कर्जे से पूरे देश में जो वन क्षेत्र में पेड़ लगाए गए हैं उनकी क्या स्थिति है, कितने जीवित हैं और कितने करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आज मुझे जो आंकड़ों से ज्ञात होता है, वन क्षेत्र लगातार घट रहे हैं जिसके कारण वर्षा नहीं हो रही, जब वर्षा नहीं हो रही तो सूखा पड़ रहा है, पूरा देश अकाल उसमें आ रहा है। जैसा कि हम बुंदेलखंड कहते हैं कि वहां वर्षा आधारित खेती होती है, तो ये सब वनों के कारण ही ये परेशानियां होती हैं। इसके लिए चाहिए मंत्री जी कि आप जो छूट दे रहे हैं वन काटने की, इसके लिए जो वन माफिया हैं, जो वनों की उपज को काट रहे हैं, बड़े पैमाने पर जो इमारती लकड़ियां हैं उनको काट करके फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से मिल करके करोड़ों रुपए का नुकसान करते हैं, उस पर कड़ा कानून बनाने चाहिए, उसमें एक्शन लेना चाहिए जिससे वन क्षेत्र बढ़े। आप वन क्षेत्र घटाने की बात कर रहे हैं, इससे क्या होगा, प्राइवेट किसान की एक ट्रक जो है
बांस खरीदेगा और आपके वन क्षेत्र से 100 ट्रक जो है काट करके ले जाएगा और पता चलेगा वो किसान के नाम पे आप वन विभाग की परमिशन ले लेगा और पूरा हमारा जंगल विभाग वन विभाग जो है बर्बाद होगा। जंगल आदिवासियों का जो गरीब लोग हैं उनसे तमाम खिलौने बनाते हैं, उनसे तमाम तरह के जो है घर गृहस्थी के सामान बनाते हैं, उसके लिए हमारा देश प्रसिद्ध है। अगर हम लोग आदिवासियों को जो लोग जंगल बहुत से फॉरेस्ट विलेज हैं उसके लिए एक्ट बनाइए, उनके लिए आपको कोई चिंता नहीं है। आज जो लोग जंगलों में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं उनका कोई ना निजी मकान है, फॉरेस्ट वाले आते हैं उनको हर साल जो है मारपीट कर उनके घर गिरा देते हैं। आज उन फॉरेस्ट विलेज जो हैं उनके लिए ये तो कोई अलग से जगह दीजिए या उस एक्ट में संशोधन करके जो फॉरेस्ट विलेज है उनको मुक्त कर दीजिए, ऐसा एक्ट आपको बनाना चाहिए। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कोई चिंता नहीं है, गरीबों को कोई चिंता नहीं है, जो आदिवासी हैं उनकी चिंता नहीं है और न तो किसानों की चिंता है। आप जितने भी किसानों के लिए कहा था आपने 2014 में कि किसानों की उपज हम जो है दुगनी करेंगे, क्या दुगनी हुई? आज किसान परेशान है, जो उनकी उपज है उपज का मूल्य लागत से जो है ज़्यादा जो है लागत ज़्यादा है और मूल्य कम है, किसान परेशान है। आपने फसल बीमा इसी तरह लगाया, फसल बीमा में आपने एक्ट बना दिया कि अगर बीमा कंपनी जो प्राइवेट है अगर इसको घाटा होगा तो सरकार भरपाई करेगी, अगर नफा होगा तो उसकी कोई उससे कोई लेने की जरूरत नहीं है। तो आप हमेशा उद्योगपतियों को स्किल इंडिया में तमाम बच्चों को 15,000 रुपया एक बच्चे के नाम पे स्किल इंडिया के नाम पे अरबों खरबों का घोटाला हो रहा, इसकी जांच कराइए, इनमें संशोधन करिए। आज सब उद्योगपति उसके फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं, आज फॉरेस्ट के नाम पे आप जो है बड़े उद्योगपतियों को जो मिल चलाने वाले हैं जो फैक्ट्री चलाने वाले हैं उनको छोड़ने के लिए आपने एक्ट बनाया है। वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा अभी तक लिया गया, वृक्षारोपण कितना हुआ, हम देखते हैं पुलिस का हस्तक्षेप रहता है और परिवहन विभाग का हस्तक्षेप रहता है। जहाँ भी देखिए अगर कोई किसान अपने खेत में भी कोई फसल या कोई ट्रैक्टर ट्राली से ले जा रहा है तो नहीं कुछ मिलता है, कहते हैं ट्रैक्टर ट्राली का रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो जुगाड़ गाड़ी है उन पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उनसे पुलिस पैसा वसूल करती है। इसके लिए कुछ बनाइए जिससे किसानों को कुछ सहूलत मिल सके। ओनली 2 मिनट्स मोर, सिर्फ 2 मिनट कंक्लूड कर रहे हैं मानो, बाकी 2 मिनट सिर्फ मानवर। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसा काम करिए कि आने वाले समय में बांस, जंगल, जल, जमीन ये बची रहे, इसको उद्योगपति जो भूमाफिया हैं वन माफिया हैं इनसे बच सके उसके लिए कानून बनाइए। आप जल्दबाजी में इस कानून को न पास कराइए, मैं इसका विरोध करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि ये जंगल में जो आदिवासी रह रहे हैं उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनके लिए कानून बना करके जो वन क्षेत्र के वन विलेज हैं फॉरेस्ट विलेज हैं उनको कानून बना के मुक्त करिए। और केवल जो है आप उद्योगपतियों के लिए पेपर मिलों को बांस सप्लाई करने के लिए आपने कानून बना दिया, उससे जो है देश का भला होने वाला नहीं, किसानों का भला होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।